अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए। सीपेक के साथ जो हाल हुआ है उसने चाइना को पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मायूस भी किया है। आपकी ना सड़क कंप्लीट हुई है, ना आपकी जो रिकंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटी जोन है वो कंप्लीट हुए हैं। आपके जेब में अगर पैसे हो, आपके कर्जे से निकलें, अपने ये ट्रेड डेफिसिट को खत्म करें, आप अपनी प्रोडक्टिव जो है वो उस काबिलियत जो है उसको बढ़ाएं, अपने ये जो लोन्स की तरफ IMF के चुंगल से आप निकलें, आप इंडिया की तरह आप उससे ज्यादा आप जो है वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अप रख सकते हैं। आपकी मजबूरी है, आपके आपके हाथ बंधे हुए हैं हर तरीके से। और ये गवर्नमेंट नहीं, इससे पिछली वाली गवर्नमेंट, उससे पिछले सारे इन्वॉल्व, पीछे से एक ट्रेल चली आ रही। तो बिल्कुल आपके आप यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली, ओनली देन वर्ल्ड विल लिसन टू यू। ठीक है, अब कामरान जरा पाक चाइना ताल्लुकात के हवाले से बात कर लेते हैं। हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, शायद हमारे आगे आने वाली जनरेशन भी सुनेगी, फ्रेंडशिप इज इंडीड डीप, मतलब इतना हमें पता है। लेकिन क्या वजह हुई कि आपका की पार्टनर पाकिस्तान चाइना का, आपका CPEC के मेगा प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं, आप इसके साथ आपका BRI का आपके जो बेल्ट एंड रोड वाला इनिशिएटिव है, पाकिस्तान को नहीं बुलाना, आपने ऐसे 14 मेंबर्स को बुलाया जो कि नॉन मेंबर्स थे ब्रिक्स के, पाकिस्तान को क्या वजह रही? चाइना के एक्सक्यूजेस के बारे में आप क्या कॉमेंट करेंगे? देखें, पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। जो भी हुकूमत आई है उसने इन ताल्लुकात को आगे बढ़ाया है। अगर वो पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जरदारी साहब ने चीन के साथ जो CPEC है उसकी इब्तदा की थी और फिर उसको आगे मियाँ साहब ने बढ़ाया, मगर गुज़िश्ते 4 साल में हम देख रहे हैं कि CPEC के साथ जो हाल हुआ है उसने चाइना को पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मायूस भी किया है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल और डिप्लोमेसी में हमने जो गलतियाँ की हैं और हमने तकरीबन अपने तमाम दोस्तों को नाराज़ किया है, जिसमें हमारे मशरक़ वस्ती के दोस्त भी शामिल हैं, मशरक़ बईद के दोस्त भी शामिल हैं और उसमें चीन भी शामिल है। अब डिप्लोमेटिकली जब आप एक मूव कर जाते हैं तो फिर उसको रिवर्स करना भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है। तो अभी चीन आपको ला के बिठा दे, मगर वो चीन देख रहा है कि हम मेरे जो मफाद हैं, जो खत्ते में मुझे अफगानिस्तान में चाहिए था, जो मुझे CPEC के ज़रिए चाहिए था ताकि वो अपनी एक चेन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बना सके और अफ्रीका को फीड कर सके, मगर वो अभी तक पाकिस्तान ने बनने नहीं दी। आपकी ना सड़क कंप्लीट हुई है, ना आपकी जो रिकंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटी जोन है वो कंप्लीट हुए हैं। अब देखें ना, अगर एनर्जी क्राइसिस था, इस वक्त हम एनर्जी क्राइसिस में हैं, मगर माजी के एनर्जी क्राइसिस 2013 का अगर हम बात करें या उससे पहले की, तो वो था कैपेसिटी का, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारे पास थी ही नहीं। चीन ही था जिसने अपने अपने बैंकों का पैसा हमें दिया, उनसे कर्ज दिया, इंतहाई सस्ता हमें कर्ज दिया और फिर कहा कि जी आप जो हैं हम ये इंस्टॉल करें अपने प्लांट्स। हमने वो प्लांट इंस्टॉल किए, अपनी जो एनर्जी क्राइसिस था उसको खत्म किया। अभी जो क्राइसिस है वो हमारे पास पैसे होंगे तो हम खरीदेंगे और ये पूरी दुनिया को भी अफेक्ट कर रहा है। देखिए, और फिर हमने क्या किया चीन के साथ, हमने उन कंपनियों की अदायगियां रोक दी, हमने कहा जी इसमें करप्शन हुई है, हमने फिर कहा कि जी चीन के साथ के इसमें हम पैसे नहीं देंगे, हम रीनिगोशिएट करेंगे। भाई जो एक बैंक है जिसने इन्वेस्ट किया है आपके उस वक्त के, जब आप एक हाई रिस्क प्रोफाइल कंट्री थे, आपके पास कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा था, आप अमेरिका आप एक जिसको खान साहब कहते थे माजी साबिक वजीर आजम कि अमेरिका की वॉर एंड टेरर में हम फंसे हुए हैं, तो हम उस वक्त उसमें थे, मगर अमेरिका ने हमें इतना इन्वेस्ट नहीं किया, हमारे मामला को इतना ठीक नहीं किया, हमें अपनी मार्केट में उतना एक्सेस नहीं दिया जितना चीन ने हमारे साथ किया कि उसने कहा जी आपको सबसे पहले हम एनर्जी क्राइसिस से निकालेंगे, फिर हम आपकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो करेंगे। जो फिर हमने CPEC को तो बिल्कुल ही भुला दिया गुज़िश्ता 4 साल में। हम एक टावर नहीं हटा सके कि हमारा जो ग्वादर में जो एयरपोर्ट है उसकी तामीर शुरू हो सके। हमारे जो ब्रिक वाटर है, अभी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म जब गए हुए थे दौरे पर, तो वहां पे पता लगा कि जी 4 साल से फंडिंग पड़ी हुई है ग्वादर में ब्रिक वाटर बनाने की, मगर वो हुकूमत ने इजाजत ही नहीं दी। अब देखेंगे 4 साल पहले की लागत और अब की लागत में कितना फर्क आ गया है। अब मगर चाइना फिर भी तैयार है ना आपके साथ, मगर पाकिस्तान को अपनी एक हैसियत डेवलप दोबारा करनी होगी, अपनी डिप्लोमेसी के हवाले से भी और अपनी इकोनॉमी के हवाले से भी, ताकि ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं हम आइंदा ना करें। नवीद साहब, बड़ी अच्छी बात की कामरान ने, इंटरनल पॉलिटिक्स और इंटरनल हमारी जो गैर मुस्तहकम हमारी जो सिचुएशन है, ये
क्यों इमरान खान साहब गुज़िश्ता हुकूमत ने साइड पर नहीं रखी, मतलब उन्होंने इसको लेकर जो है वो इंटरनेशनल दुनिया के साथ भी बिगाड़ पैदा किया और वहां पर भी चोर डाकुओं का नारा लगाते रहे। हालांकि देखिए डिप्लोमेसी से ही आप ट्रेड का रास्ता खुलता है, वो उन्होंने नहीं किया। बेसिकली शायद लोगों को बुरा लगे, मैं 2014 से कह रहा हूँ, इमरान खान उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे, मैं कह रहा हूँ कि इस शख्स का विजन नहीं है। दूसरी एक और चीज़ मैं बार बार उस अरसे में कहता रहा कि इनको इंसान की पहचान नहीं है, और जब ये आपकी मेजर गलतियाँ होती हैं तो आपको कोई भी कहीं गाइड कर सकता है। बगैर नाम लिए हुए मैं आपसे कह सकता हूँ कि एक इन्होंने इनके पास एक वजीर थे जिनका टोटल वेस्टेड इंटरेस्ट था, जिन्होंने ये सारी इंक्वायरीज वगैरह जो थी सीपैक के खिलाफ शुरू करवाई, और उसके नतीजे में बहरहाल आप जानते हैं कि एक सिंपल से समझने की बात है, कोई अगर हुकूमत किसी तरीके से कोई कमिटमेंट करती है तो दैट इज टेकन एज अ कमिटमेंट, इट लाइक द वर्ड इन योर कुरान और अ बाइबल और एनीथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बेनज़ीर की हुकूमत दूसरी हुकूमत में, मतलब पहली हुकूमत में इन्होंने प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट साइन किए, नवाज शरीफ साहब तरीफ तशरीफ लाए, उन्होंने सबको उड़ा दिया, सारा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया, रीनेगोशिएट हुए उसमें से चंद प्रोजेक्ट्स आए, मतलब कॉन्फिडेंस वाज लॉस्ट। मुशरफ साहब ने स्टील मिल की पूरी वो कर दी, एक अदर जज साहब थे उन्होंने उसको उड़ा दिया। फिर दूसरी एक और चीज़ है, फिर भी शायद लोग मुझसे नाराज़ हो जाएं, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो माइंडसेट है वो बड़ा इमेच्योर है हमारे पॉलिटिशियंस का। ये इस काबिल हैं कि इनको स्कूल स्कूल भेजा जाए, इनको कुछ सिखाया जाए, क्योंकि आप पाकिस्तान की जमहूरियत की हिस्ट्री देख लें, हर मरतबा कोई भी हुकूमत अच्छा काम करना चाहेगी तो ऑपोजिशन उसके टोटली खिलाफ जाएगी। इसकी आप हिस्ट्री देखते हैं, देखिए नवाज शरीफ साहब का जो मूव था टू प्राइवेटाइज PIA, दैट इज़ अ वेरी गुड मूव, लेकिन जितने आजकल जिसमें से पीपल्स पार्टी भी है, PTI भी है, जमा इन लोगों ने किस तरीके से वो किया। ठीक है सईद साहब, अब हम जरा बात कर लें, ये कि अभी बात की इन्होंने कि हमें एनर्जी क्राइसिस है, हम रूस से तेल नहीं खरीद सकते, IMF की जो हमारे साथ एक स्केड्यूल चल रहा था लाजमी साथ है उसमें कहीं ये पर भी ये कंडीशन भी है कि हम मगरबी ममालिक नाराज हो जाएगा अगर हमने रूस के साथ तेल खरीदा। यहीं पे आ जाती है आज़ाद खारजा पॉलिसी जो कि हमारी पिछली हुकूमत ने बड़ा ही मैस किया, एक उसको आप इसको किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, ये आज़ाद खारजा पॉलिसी का नारा लगा के आपने सारी खारजा पॉलिसी का जो है उसके ऊपर बट्टा बिठा दिया आपने।